लंबे समय से बंद चक्की पुल को दो पहिया वाहनों के लिए खोलने को लेकर आज नूरपुर विधानसभा के विभिन्न पंचायत प्रतिनिधियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ के रविंद्र समकड़िया और महासंघ के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के सह निदेशक राजेश पठानिया भी उपस्थित रहे। ज्ञापन में इन प्रतिनिधियों ने चक्की पुल को दो पहिया वाहनों के लिए शीघ्र खोलने की मांग की। पंचायत प्रधान सिकंदर राणा और बादशाह वजीरा के प्रधान उद्य पठानिया ने बताया कि ये पुल पिछले एक वर्ष से बंद है, जिसमें पहले दो पहिया और हल्के चौपहिया वाहनों को गुजरने की परमिशन थी, लेकिन पिछले लगभग 3 महीने से इस पुल को सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। इसमें रोजमर्रा के काम के लिए जाने वाले लोगों को वाया भद्रोवा लंबे और जर्जर रास्ते पर होके गुजरना पड़ रहा है। इससे महंगे सफर के साथ वक्त की बर्बादी भी होती है। उदय पठानिया ने कहा कि इस पुल के निर्माण कार्य में जितनी लागत लगी है उससे कहीं ज्यादा खर्च एक साल में इस पुल की मेंटेनेंस में NHAI कर चुका है, लेकिन इतना खर्च करने के बाद परिणाम शून्य रहा। उन्होंने इसकी जांच की भी मांग की है। इन सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने मांग की है कम से कम दो पहिया वाहनों को चक्की पुल से गुजरने की परमिशन दी जाए, जिसमें आम जनता को राहत मिल सके। वहीं एसडीएम नूरपुर गुरसिमर सिंह ने बताया कि वह जनता की परेशानी से भली भांति परिचित हैं, लेकिन भारी बारिशों के कारण पुल के पिलरों को भारी नुकसान पहुंचा था, जिस कारण इस पुल को पूरी तरह से बंद किया गया। उन्होंने कहा कि इसे लेकर NHAI के साथ शीघ्र बैठक की जा रही है और अगर मौसम साफ रहा तो 15 सितंबर को इस पुल को दो पहिया वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। आजकल ये ज्ञापन हमने एसडी साहब को दिया है, जिसमें भी मुद्दा ये रखा कि चक्की के पुल के निर्माण में इतना लेट क्यों हो रहा है। उसके उपलक्ष्य में आज एसडीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है कि इसको जल्दी से जल्दी, मतलब 15 सितंबर तक इसको खोल दिया जाएगा। बाकी जो दूसरा रोड कनेक्टेड रोड है उसको पक्का करने का एसडीएम साहब से अनुरोध किया जी। जी आज हम जो पंचायत नूरपुर के जो पंचायत प्रतिनिधि थे सारे हम लोग मिलकर आज एसडीएम साहब से मिले। इसके संदर्भ में जो चक्की पुल जो है वो बंद कर दिया है लोगों की आवाजाही के लिए, तो एसडीएम साहब से हमारी यही मांग रही है कि जो आम पब्लिक है उसको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे बच्चे पठानकोट पढ़ने जाते हैं, बच्चे जो हैं वो सुबह 6 बजे जा रहे हैं, शाम को 7 बजे वापस आते हैं। रोजमर्रा के काम के लिए, दिहाड़ी लगाने के लिए पठानकोट से नूरपुर और नूरपुर से पठानकोट हज़ारों की संख्या में लोग जा रहे हैं, तो सब जो लोग हैं वो बड़ी एक समस्या का सामना कर रहे हैं। तो एसडीएम साहब से इस संदर्भ में हम मिले थे, तो एसडीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि 15 सितंबर को जो है उनकी मीटिंग हो रही है और बड़ी जल्दी जो ये पुल है दोपहिया वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा, और हमें अगले 1 महीने और दीजिए तो 1 महीने में जो छोटे वाहनों के लिए जो है हम वो खोल देंगे। लेकिन आपके माध्यम से एसडीएम साहब ने तो बड़ी अच्छी से हमारी बात सुनी और उन्होंने कहा कि मैं आपकी जो मांगे या समस्याएं वो उठाऊंगा NHAI के सामने, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मेरा ये सवाल रहेगा NHAI से कि पिछले 1 साल से जो पिलर जो ये डैमेज हुए, तो NHAI जो है पिछले 1 साल से क्या कर रहा था। हमें ये लगता है कि ये जो जो पुल है ये एक भ्रष्टाचार का एक कारण बन गया है। यहाँ पे 1 साल से कितना पैसा लगा और उस पैसे का क्या उन पिलरों को क्या फायदा हुआ या क्या उनका बचाव हुआ, ये हमारी समझ से परे है कि 1 साल जो हो गया है इतना करोड़ों रुपया जो है वो NHAI खर्च करके अभी तक जो 2 पिलर हैं उनको, जितने का तो पुल था 40 करोड़ का पुल जो बोले बना है उससे 4 गुना तो पैसा उसकी सेफ्टी में लग गया, और 1 साल से जो पुल है वो नेशनल हाईवे से संभल नहीं रहा। तो NHAI की जो कार्यरत प्रणाली है वो शक के घेरे में है, तो हमारी मांग भी रहेगी कि जो अधिकारी हैं NHAI के उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। 1 साल से वो क्या कर रहे थे, बरसात आई और उन्होंने पुल बंद कर दिया, आम जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से हमारा ये रहेगा NHAI की कार्य पर जो है उस पर भी वो शक के दायरे में। ये सार्वजनिक समस्या जो चक्की पुल की जो चली हुई है 1 साल से, ये हमारा जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं इनको इनसे कल हमने मीटिंग की थी और सभी से रिक्वेस्ट की थी कि एक ज्ञापन जो है वो SDM साहब को दिया जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो सभी को आ रही है, इसमें हमने रिक्वेस्ट किया कि छोटे वाहनों के लिए कृपया वो खोला जाए, तो इन्होंने हमें 15 तारीख का टाइम दिया कि 15 तारीख तक हम मीटिंग करेंगे और उसके बाद ये खोल देंगे। अगर 15 तक नहीं होता जो लिमिट पुल होती है, उसके बाद उसके बाद हम अगला स्टेप सारे जने मिलके बैठ के करेंगे प्लानिंग उसके बाद।
आज हमारा एक प्रतिनिधिमंडल माननीय SDM साहब से मिला, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दो दिन पहले हमने एक चक्की पुल के ऊपर जो धरना दिया था, जिसमें हमारी विशेष मांग थी कि चक्की पुल को दोपहिया वाहनों के लिए खोल दिया जाए, क्योंकि वहां से मेडिकल ग्राउंड का नाम लेकर और भारी भरकम मशीनरी या VIP लोग अपनी सिफारिश लगा के आते जाते थे, जिसका स्थानीय लोग बहुत विरोध करते थे। और इसी विषय पर हमने धरना दिया था, और हमारे साथ वहाँ पर NHAI के अधिकारी, IRB कंपनी जो इसकी कंस्ट्रक्शन कर रही है, उनके अधिकारी आकर मिले थे, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि ये 15 सितंबर तक इसको खोल दिया जाएगा, क्योंकि उनको कुछ टेस्ट करने हैं यहाँ पे। और इसी विषय पर हम प्रशासन का रुख जानने आए थे, और आज जब हम SDM साहब से मिले हैं तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आज एक बहुत हाई लेवल की मीटिंग जो है वो शिमला में NHAI की चल रही है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि चक्की पुल को आम लोगों के लिए, विशेषकर दो पहिया वाहनों के लिए कब खोला जाए। तो इस विषय पर उनकी आज मीटिंग चल रही है, और यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि हमने NHAI से बात करी है, इनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो IRB है उनके अधिकारियों से बात करी है, तो वो भी कह रहे हैं कि अगर कोई बड़ा फ्लड नहीं आता है तो इसको जल्द दो पहिया वाहनों के लिए इस पुल को खोल दिया जाएगा। जैसे कि आज सारी पंचायत के प्रतिनिधियों और भी बहुत सारे लोग जिनको बड़ी टाइम से प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने आज ज्ञापन दिया है कि चक्की पुल कम से कम 2 मीटर्स के लिए। दो दिन पहले एक प्रोटेस्ट भी हुआ था, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड की है कि कम से कम हमारा चक्की पुल, क्योंकि बरसातें भी सबसाइड कर गई हैं, तो 2 मीटर्स के लिए खुल जाए। तो इसके रिगार्डिंग हमने NHAI के साथ मैटर टेकअप कर रहे हैं, और नेक्स्ट कमिंग वीक में हम एक मीटिंग भी करेंगे, ताकि हमारी भी ये रिक्वेस्ट रहेगी उनसे कि कम से कम हम 2 व्हीलर्स के लिए आफ्टर द रेनफॉल अब इसको कम से कम ओपन कर दिया जाए, और जो हमारा जो बाकी काम बचा है, जो कि हमारे NH को पूरे पिलर को, मतलब पिलर के नीचे जो शेयर वॉल बन रही है और उसका, उसको भी जल्दी से जल्दी 1-1.5 महीने के अंदर कम्प्लीट किया जाए। लाइट व्हीकल चलाने का भी कोई अभी हम, क्योंकि एज पर जो NHAI की रिसेंट नोटिफिकेशन थी, जो हमें लेटर आई थी, जिसके अंदर उन्होंने कम्प्लीटली बंद कर दिया था, तो अभी हम उनके लिए सिर्फ 2 व्हीलर के लिए हम अभी बात कर रहे हैं। बाकी जो भी हमारा नेक्स्ट मीटिंग होगी उसके अंदर जो भी डिसाइड होगा, अगर NHAI को ऐसा लगेगा कि आज के टाइम पे 2 व्हीलर के लिए चला सकते हैं और उसके बाद 4 व्हीलर को भी कमिंग वीक्स में चला सकते हैं, तो वैसा डिसीजन लेगा। नूरपुर से सुवर्ण राणा की रिपोर्ट, AMI न्यूज़, हिमाचल।